और एक चैप्टर बनाया हुआ हमने, लेकिन ये सैड हो गया खत्म और हम खड़े हो गए। और आज जो कैरेक्टर था वो था कमर दुख गई यार, एक घंटा बैठना पड़ता यार, मुश्किल काम है भाई, मुश्किल काम। ये अल्लाह का करम है और जो लोग पसंद करते हैं उनकी दुआएं। यकीन करें जो आवाम हमारा शो देखती है, मेरा दिल करता मैं इतना अमीर हो जाऊं कि हर बंदे को 1,000 रुपए दूं जो शो देख रहा है। आप लोगों से मुझे इतनी मोहब्बत है, बस आप लोग दुआ करें कि माल आए और किया था। बाकी टैलेंट जो है वो चाय के होटलों में पड़े, उनको मौका नहीं मिला, अल्लाह कर उनको भी मौका मिल जाए। और मैं कहता हूँ जिंदगी में अल्लाह हर एक को जिंदगी में अल्लाह जितने भी आर्टिस्ट हमारे शो बिस्क हैं जो दुनिया में, सबको शोहरत दे, अल्लाह सबको एक बार शोहरत जरूर दे और वो ता कयामत बरकरार। मेहनत और कुछ नहीं, बिरयानी हर घर में पकती है मगर जायका सबका अलग अलग होता है, तो हर आर्टिस्ट का अपना अपना फ्लेवर है। वाह भाई के साथ भी नो डाउट के आप यकीन करें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं सेट के ऊपर, बहुत सारी चीजें उसमें भाई जो है ना मुझे बता रहे होते हैं कि यूं कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, करता नहीं है, मैं भूल ही करता यार। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रेहान जमाल ऑफिशियल में सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जी आई नू भली कराया, खुश आमदी, जोर तगड़ा, राजी पाकिस्तान दे, खुशहाल दे। सारी दुनिया से लोग देख रहे हैं इस वक्त और आप लोग हमसे कनेक्ट हो चुके हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, कोरिया से हैं, यूके से हैं, तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको दिल से सलाम प्यार। आज फिर जा रहे हैं सब पॉडकास्ट में अहमद खान की, और आज अहमद खान की पॉडकास्ट में देखे नया कैरेक्टर है, जबरदस्त कैरेक्टर आज कर रहा हूँ, और अहमद खान की पॉडकास्ट में भी आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो आज हमने जल्दी पहुंचना है, जल्दी जाना है, बहुत लेट हो गए हैं, लेट हो गए हैं, और हम चाह रहे हैं कि आज गाड़ी तेज चलाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन ये गाड़ी चलाते चलाते भी आपको कुछ सुना देंगे, तो अब मिलेंगे आपसे रास्ते में, उसके बाद मिलेंगे पॉडकास्ट में, तो जब तक के लिए कट करते हैं और हम निकल रहे हैं शूट के लिए। हाँ तो गाइस अब हमें रास्ते में और हम थोड़ा बोर हो रहे थे, तो मैंने कहा कि यार पापा कुछ सुनाए आज और किसी अदाकार की आवाज में सुनाए, तो क्या सुनाएंगे यार? असल में सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा, और रास्ता जाहिर है लंबा है थोड़ा सा, क्योंकि ट्रैफिक का जो है मामला ज्यादा है, तो यही कहूंगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं चैनल को, सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा, अब शेयर करने का कह रहा हूँ, और कमेंट्स करते रहिएगा। और क्या सुनाऊं भाई, मैं तो कहता हूँ कि अमिताभ की आवाज में हो जाए ना। अच्छा अमिताभ बात हो जाए, अमिताभ बच्चन की आवाज में गाना सुनाता हूँ, अमिताभ बच्चन साहब का गाने का अंदाज कहता है, सुनिएगा। एक पंजाबन दिल चुरा के ले गई सोड़ा सोड़ा, अरे दिल मेरा सोड़ा, एक पंजाबन दिल चुरा के ले गई आए सोड़ा सोड़ा, अरे दिल मेरा सोड़ा, सुर को चूड़ियों को खनका के ले गई सोड़ा सोड़ा, अरे दिल मेरा सोड़ा, गोरा गोरा रंग है तेरा तू लस्सी बन जाबे, तू लस्सी बन जाबे, मेरे हवाले कर देन कुड़िए रूपनगर दी चाबी, ऐ रूपनगर दी चाबी, ओ तेरा नशा निराला ओ शावा, तूने क्या कर डाला ओ शावा, तेरे हुस्न दा प्याला ओ शावा, मैं पीने वाला ओ शावा, सुर को चूड़ियों को खनका के ले गई आए सोना सोना, अरे दिल मेरा सोना, एक पंजाबन दिल चुरा के ले गई हाय सोना सोना, दिल मेरा सोना, रिश्ते में तो हम सबके बाबू थे नामे शहंशाह। हाय हाय हाय, मतलब मैं फुल वाइब ले रहा था, होय शावा, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। ये कि कुछ भी गाएं, कोशिश करें अगर गाने की आप, तो कोशिश ऐसी करें कि वैसा ना हो तो खराब भी ना हो, तो मेरी कोशिश यही होती है कि यार अच्छा हो, और जब जो चीज ऑडियंस तक पहुंचाऊं अच्छी पहुंचाऊं, तो अब पहुंचने वाले हैं हम आयान साहब वहां पे। हाँ तो भाई पहुंचने वाले हैं वहां पे, और वहां पे जाके मिलते हैं फिर आपसे। बिल्कुल मिलते हैं, थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है। और क्या गेटअप करूंगा मैं आज, ये देखिएगा कि वहां जाके गेटअप देखिएगा आज मेरा गेटअप क्या होगा, ठीक है? चले ओके जी, हम लोग इस वक्त मौजूद है सेट पे और तैयारी हो रही है पॉडकास्ट की, उसमें भाई तैयार है और मुझे को ताव देते हुए, तो आज आप लोग मुझे देख के समझ गए होंगे कि कैरेक्टर है एक हीरोइनची का, और ये हीरोइनची मुझे बनाया है अहमद भाई ने, और अहमद भाई अभी यकीन पहले मतलब आप इस फील्ड में नहीं थे, इस फील्ड में हीरोइन वाली में बिल्कुल आप परफेक्ट हीरोइनची लग रहा है, और तारीफ की बात कोई गेटअप नहीं किया
और एवं भाई सर जरा कुछ बता दे, कुछ क्या करना है? एसी का रिमोट नहीं मिल रहा है। अबे एसी चल रहा है, तो चल रहा है सिलसिला। कैसे ली थी तस्वीर? अक्षय कुमार के बाहर का देखा मैंने यार बेटा, अक्षय कुमार की उतर गया। अबे यार कोई ऐसा मतलब आपकी कोई रखेल थोड़ी हो अक्षय कुमार। रोड से सरिया निकालना, लोहा, कंप्रेसर, जनरेटर उड़ाना, किसी का बाप करके दिखाए तो मानो। अरे भाई अगर आप ये समझ रहे कि आप बगैर मेहनत किए कुछ पालेंगे आपकी किस्मत बदल जाएगी, तो आपकी किस्मत भी जो है ना टांग पे टांग रखे आपका इंतजार करती रहेगी कि आप कब मेहनत करेंगे। हाँ जी, हमने कर दी है शूट एंड और अहमद भाई रिलैक्स होके बैठ चुके हैं। क्या तू रिलैक्स, कमर दुख गई यार, एक घंटा बैठना पड़ता यार, मुश्किल काम है अहमद भाई, मुश्किल काम है। ये अल्लाह का करम है और जो लोग पसंद करते हैं उनकी दुआएं। यकीन करें जो आवाम हमारा शो देखती है, मेरा दिल करता मैं इतना अमीर हो जाऊं कि हर बंदे को 1,000 रुपए दूं जो शो देख रहा है। आप लोगों से मुझे इतनी मोहब्बत है, बस आप लोग दुआ करें कि माल आए। और यार ये मोहब्बत, ये इखलाक, ये खलूस आपका जो हमारी ऑडियंस के लिए है, तो हम आप लोगों के लिए भी ये बड़े फखर की बात है कि हमें एक ऐसा आर्टिस्ट मिला हुआ है जो सब आर्टिस्ट को साथ लेके भी चल रहा है, मुझे, बरकत को, उज़्मी भाई को, और एक चैप्टर बनाया हुआ है हमने। लेकिन जो सैड हो गया खत्म और हम खड़े हो गए, और आज जो कैरेक्टर था वो था एक हीरोइन सी का कैरेक्टर। तो अहमद भाई के दिमाग में बड़ी चीजें आ रही होती है, नेक्स्ट क्या कहेंगे वो कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है। बरकत भाई, बरकत भाई बहुत अच्छा परफॉर्म किया बरकत ने। आपने परफॉर्म किया सर, मेरी कोई औकात नहीं है। बात पता है कि मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि सिर्फ अल्लाह की अता होती है, सिर्फ अल्लाह की अता, अल्लाह की आता है। बाकी टैलेंट जो है वो चाय के होटलों में पड़े, उनको मौका नहीं मिला, अल्लाह कर उनको भी मौका मिल जाए। और मैं कहता हूँ जिंदगी में अल्लाह हर एक को, हाँ जाए जिंदगी में अल्लाह जितने भी आर्टिस्ट हमारे शोबिज के हैं जो दुनिया में, सबको शोहरत दे, अल्लाह सबको एक बार शोहरत जरूर दे, और वो ताक कयामत बरकरार रहे। सिर्फ दुआएं, मेहनत और कुछ नहीं। बिरयानी हर घर में पकती है मगर जायका सबका अलग अलग होता है, तो हर आर्टिस्ट का अपना अपना फ्लेवर है। वाह वाह, और उसमें भाई के साथ भी नो डाउट के आप यकीन करें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं सेट के ऊपर, बहुत सारी चीजें उसमें भाई जो है ना मुझे बता रहे होते हैं कि यूं कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। करता नहीं है, मैं क्यों नहीं करता यार, क्योंकि वो इतना टैलेंटेड है, ये खुदा मैं बता रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं, और ये जाहिर है इतना जबरदस्त इन लोगों का होमवर्क होता है। आप लोग सिर्फ इस शो में नहीं बल्कि दुनिया में जहां जहां भी जाते हैं वहां भी इनका काम देखते हैं, बरकत भाई का, उसमें भाई का, तो बड़ा मजा आ रहा है। और अयन तुम्हें एंजॉय किया तुमने, नहीं किया तो बताओ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, और अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। और मैं एक बात चाहूंगा, बस हाँ। तो भाई आ चुके हैं हम घर फाइनली, बहुत थक गए हैं और बहुत काम था आज भाई, काम बहुत था, काम लेकिन सारा तो इनका ही था, थोड़ा बहुत मेरा भी था। चले हम लोग आ गए घर, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ब्लॉग को पसंद कर रहे हैं, और एक दफा फिर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और आज बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर था, हीरोइनची का एक कैरेक्टर था, हीरोइनची तो बड़ा मजा आया, चाय भी रास्ते में इंजॉय किया, और जल्दी जल्दी रात में घर आ गए, हालात की वजह से, हालात जरा यहाँ कराची के नासाज हालात रहते हैं। तो इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। कैसा हमारा ब्लॉग रहा, कैसी हमारी प्रोग्रेस रही, ये आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेहान जमाल ऑफिशियल में रेहान जमाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।